गाड़ी उठ रही। ओ तो दो तीन दिन तक इतनी सारी परचेज करने के बाद काफी सारा पैसा खर्च हो चुका है और अब बैलेंस काफी कम हो चुका है, $3,00,000 से नीचे बैलेंस आ चुका है। और अपनी गाड़ियां वगैरह तो सब मैं लास्ट वीडियो में यहाँ पे ले आया था, बाइक की अभी बारी खड़ी हुई है, उन्हें भी अंदर पहुंचाना है, बट अभी पहले काम करना है क्योंकि बैलेंस काफी ज्यादा नीचे चला गया है और अब पैसा कमाना पड़ेगा। और पैसा कमाने के लिए सबसे ईजी और सबसे बेस्ट चीज है काओबान, क्योंकि काओबान से स्लरी भी मिलती है जो मैं खेतों में फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकता हूँ, और मिल्क भी मिलता है जो अपनी डेयरी में पहुंचा के वहाँ पे जो है बटर चीज वगैरह बना लेता हूँ, और वो बटर चीज वगैरह अपनी बेकरी में यूज हो जाते हैं। तो अपने पास जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनमें मेनली मिल्क चाहिए होता है और मिल्क यहाँ से सप्लाई में करता हूँ और बाकी सारा सामान बना के फिर आगे सेल करते हैं और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और अभी अपने फार्म पे काफी सारी जगह भी पड़ी हुई है और नया बांध लगाने के लिए, तो मैंने एक नया बांध लगा लिया है, मतलब एक नया बांध की एक नई शेड है काउस के लिए और वो काफी बढ़िया है। वो शेड मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ वहाँ पे सामने जहाँ पे मैंने पिग बान और शीप बान लगाया है। और अपने फार्म की जो मैं एक्सपेंड करने वाला था वो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब बस थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम रह गया है क्योंकि शेड मैंने लगा दिया है तो उस साइड का पूरा एरिया कवर हो गया है। रेस्टोरेंट वगैरह मैंने पहले दिखाए दिए थे, अब बस डेकोरेशन का काम रह जाएगा, ट्रीज वगैरह लगाने का, घास वगैरह लगाने का। पहले मैं एक बार ऊपर से उस काउ शेड का व्यू दिखाता हूँ। तो ये अपना हेलीकॉप्टर लेके चलते हैं, इसे भी चलाना है, तो इसे चलाना काफ़ी आसान है और अब मुझे इसका चलाने का सारा सिस्टम समझ में आ चुका है। तो ये जो सामने दिख रहा है ये है अपना नया काउबान और इसमें जो है ऊपर गाड़ी जाने का रास्ता भी है। इसमें जो ऊपर का पोर्शन है वो पूरा स्टोरेज वगैरह के लिए है, ये एक बार मैं दिखाऊँगा। अभी पहले थोड़ा सा मैं हेलीकॉप्टर को नीचे लेके जाऊँ, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, 45 काउस उसके अंदर आ सकती है, बट ये है काफ़ी ज़्यादा सही, पूरा वुड का है। और मैं हेलीकॉप्टर को कर देता हूँ इधर की साइड यहीं पे पार्क, हाँ यहाँ पे ठीक है। और अब मैं इस काउबान को पास से दिखा देता हूँ, अभी ये काउबान पूरा खाली है, मैं यहाँ काउस वगैरह लेके नहीं आया हूँ। और ये इस साइड इसका ओपन एरिया है और इधर भी ओपन एरिया है, यहाँ से जो है ट्रैक्टर अंदर चला जाएगा या फिर टैंकर, मैं मिल्क यहाँ से ले सकता हूँ। ये इसका मिल्क प्रोसेसिंग का है यहाँ पर जो ऑटोमेटिक मिल्किंग वाली मशीन है, और ये अंदर काउस के लिए है, 45 काउस इसमें आ सकती हैं। और इधर ये वाला टैंक जो है ये मिल्क स्टोरेज के लिए है, ये वाला गेट तो बाहर की साइड ही खुल जाता है, तो ये वाला गेट जो है यहाँ से मैं ट्रैक्टर को ला सकता हूँ, सीधा यहाँ से ले जाके उस साइड से बाहर निकाल सकता हूँ, तो मेरे को रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो इधर काउस के एरिया में जा रहा है, और इधर का एक ये गेट है ये भी खुल जाता है, ये काउस को खाना डालने के लिए, और ये स्लाइडिंग वाला इधर, और ये यहाँ से स्लरी इकट्ठा करने के लिए है, और ये इधर से पूरा रास्ता हो गया ट्रैक्टर के घूमने के लिए। ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ से ठीक करना पड़ेगा, ट्रैक्टर तो यहाँ से जा नहीं पाएगा, मैं यहाँ पे बैरियर लगा दूंगा, ट्रैक्टर इधर लेके जाऊंगा इन्हें ट्रैक्टर के लिए, बस ट्रैक्टर को यहाँ तक आना है स्लरी लेने के लिए, वो मैं रिवर्स करके ले आऊँगा वहाँ से। और बाकी इसमें भी काउस मैं ले आता हूँ, काउस मुझे परचेज करनी पड़ेगी, तो इसमें 45 काउस की कैपेसिटी है, मैं सारी की सारी काउस ही ले लेता हूँ। तो अभी लेंगे ये वाली काउ, इसकी एज 12 मंथ है, जो सस्ती वाली मिल रही है उसकी 0 मंथ है, तो वही मिल्क देगी नहीं, और ये 12 मंथ वाली है तो ये अभी 18 मंथ में जाके मिल्क देना शुरू कर दिया, तो इसे अभी सिर्फ 6 महीने लगेंगे मिल्क देना स्टार्ट करने में। और ये पूरी 18 मंथ वाली है, ये 1550 यूरो की है, ये रेडी है बिल्कुल मिल्क देने के लिए। तो एक काम करते हैं ये बड़े वाली ही ले लेते हैं, और चार तरह की हैं, चारों तरह की ले लेते हैं, 45 की कैपेसिटी है ना, तो ये वाली 10, ये वाली 15, 10 10 ऐसे कर लेते हैं, तो इसको तो 10 कर लेता हूँ, ये 10 बाई कर ली, और ये वाली 15, ये वाली 10, और ये वाली भी 10, तो हो चुकी है पूरी 45 काउस। और काउस अपनी आगे होंगी अंदर, ये रही काउस यहाँ पे, एक मिनट पास से देख लेते हैं, बट इनके लिए खाना नहीं है, इनके लिए खाना ला के डालना पड़ेगा मुझे। और ये काउस का भार यहाँ घूमने का भी है, और नीचे तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसा गोबर कर रखा हो। और ये स्लरी का टैंकर है यहाँ पे, इसमें जो है स्लरी सारी बनती रहेगी, ये अलग गोबर सारा का सारा यहाँ जाता रहेगा, और स्लरी मैं बाद में यहाँ से उस वाले पाइप से ले लूँगा और अपने खेतों में डाल देंगे फर्टिलाइजर की तरह। और अभी एक बार ऊपर का दिखा देता हूँ पोर्शन, और ये यहाँ से जाने के लिए रास्ता बना रखा है नीचे, और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है, और इसमें ट्रैक्टर भी चला जाएगा ऊपर तक, और ये ऊपर स्टोरेज के लिए है, ये काफ़ी ज़्यादा सही है, इसमें काफ़ी सारा सामान मैं स्टोर कर सकता हूँ। और अपने काउस से रिलेटेड मतलब जो भी सामान है मैं यहीं पे रख लूँगा, और इधर तो नीचे देखने के लिए है, और ठीक है यहाँ पे मैं सामान स्टोर करके रखूँगा, और यहाँ पे मैं टैंकर वगैरह या ट्रॉली वगैरह ला सकता हूँ, और यहीं से सीधा उठा उठा के इसमें डाल सकता हूँ, और यहीं से ले जाऊँगा सामान को, ये तो ठीक है। ये लोड करने के लिए ये एरिया शायद ना, यहाँ से सामान को पीछे ट्रॉली में लोड करने के लिए। और इधर क्या है, ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं,
ओ यहाँ पे ये एक और मिल्क का जो है टैंक है, और यहाँ पे ये ठंडा करने के लिए इसमें रखा हुआ है कंप्रेसर वगैरह जो उसको ठंडा रखता है, और एक गेट यहाँ से भी खुल जाता है। और ये तो बड़ी सीक्रेट सी सही सी जगह है, ये बैठने बैठने के लिए भी ठीक है। यहाँ पे एक आध चेयर ला के डाल दूंगा यहाँ पे बैठने के लिए। और इधर से ये रास्ता नीचे गया। ओके, तो ऊपर जाने के लिए रास्ता यहाँ से साइड से भी था, ये रास्ता ट्रैक्टर के लिए है, और मुझे अगर पैदल पैदल जाना हो तो मैं यहाँ से चढ़ के जा सकता हूँ। और ये है वो एरिया छोटा सा, ये बैठने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सही है। अभी काओ बांध के सारे गेट मैंने खुले छोड़ दिए, इन गेटों को लगाता हूँ। पहले तो इधर वाले को बंद करूँ, इस वाले को भी बंद कर देते हैं, और इस वाले को भी, और इधर वाले को भी। इधर वाला तो स्लाइडिंग डोर है, इधर से बंद होगा। हाँ ये आ गया, खाना ला के डालना है। और खाने के लिए इनके लिए वो TMR वाला हिसाब किताब होगा, बट इनके लिए क्या है ना, इनके लिए फीडिंग रोबोट नहीं है यहाँ पे, इनके लिए मुझे TMR बना के डालना पड़ेगा। और अपने दूसरे वाले कावान में क्या है, वहाँ पे TMR रोबोट है, तो मैं खाली स्ट्रॉ हे और साइलेज ला के डाल देता हूँ, तो वो अपने आप TMR बना लेता है। तो अभी खाने चलते हैं काउस के लिए, इनके लिए TMR वाली मशीन लानी पड़ेगी, और अपनी ये वाली काउस है इनका, तो ये फीडिंग रोबोट ऑटोमेटिकली बना के दे ही रहा है। तो ये सारा रॉ मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है, ये हे है, स्ट्रॉ है और साइलेज है, तो इनका तो खाने का काम चल जाएगा अभी। और बाकी अपना देख लेते हैं एक बार हॉर्स का क्या स्टेटस है, हॉर्स के लिए खाना चाहिए होगा तो हॉर्स के लिए भी खाना ले लेते हैं, और हॉर्स बांध के अंदर देख लेते हैं। हॉर्स बांध के अंदर तो यहाँ से भी दिख जाएगा, हॉर्स बांध में खाना अभी ख़त्म है, चिकन कूप में भी खाना ख़त्म हो चुका है, अभी जो काओ बांध में भी खाना ख़त्म दिखा रहा है। ओ तो काओ बांध में इशू ये होगा, काओ बांध में सारा रॉ मटेरियल तो पड़ा हुआ है बट मिनरल फीड नहीं होगा, विदाउट मिनरल फीड खाना बनता नहीं है उनका TMR, तो मिनरल फीड ला के डालना पड़ेगा। शीप बांध में भी खाली है और पिग बांध में भी खाली है, तो अपने सारे के सारे एनिमल्स का खाना ख़त्म हो चुका है। पिग्स के लिए तो मैं कुछ भी ला के डाल सकता हूँ, वो सब कुछ खा लेते हैं, और शीप्स के लिए, शीप्स ग्रास वगैरह खाती हैं या हे वगैरह खाती हैं, तो हे लेके आऊँगा, कुछ हे शीप्स को डाल दूंगा। काउस के लिए मिनरल फीड लाना है, और TMR बनाने के लिए उनके तो हे, स्ट्रॉ और साइलेज सारी चीज़ें आएंगी। अपना ये चिकन फीड में जो है मैं इनको डाल सकता हूँ वीट, बार्ले या शोरगुम, और शोरगुम मैं हॉर्सेस को भी डाल सकता हूँ। तो भी चलना पड़ेगा एक बार स्टोर पर और वहाँ से खाना लेके आना पड़ेगा। और मेरी ट्रॉली कहाँ पर है, ट्रॉली वहाँ सामने खड़ी हुई है, एक ट्रैक्टर चाहिए होगा, और ट्रैक्टर वैसे इधर खड़ा हुआ तो अपना आयशर वाला ट्रैक्टर, इसको ले लेते हैं, बट ये चलता काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और बाकी अपने ट्रैक्टर खड़े हुए हैं वहाँ पे, जहाँ पे मैंने कैंप लगा रखा है अपने नए वाले खेतों के पास, वहाँ से एक JCB का ट्रैक्टर मिल जाता तो काम चल जाता। वैसे ये वाला जो मॉन्स्टर ट्रक है, इसके पीछे भी तो ट्रेलर हिच होगी, अगर पीछे ले चलता हूँ बांध के, हाँ है ना ये भी, तो इसके पीछे ही ले लेता हूँ। रहन दो इसको, रहन दो, इसका आवाज़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। इनमें से किसी गाड़ी के पीछे है ट्रेलर हिच, इसके पीछे भी है, तो ये इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी पावरफुल है, इसको ले चलता हूँ, ये ट्रॉली को खींच लेगी। अभी देखूँ पहले एक बार ट्रॉली अटैच हो जाए तो उससे। हाँ ये हो गई अटैच, बस अब फटाफट से लेके चलता हूँ इसको, और इस गाड़ी से लेके जाऊँगा तो काफ़ी जल्दी पहुँच जाऊँगा शोरूम पे, क्योंकि ये गाड़ी तेज़ चल लेती है, ट्रैक्टर इतनी तेज़ नहीं चल पाता। सही है, कोई लोड नहीं पड़ रहा इस गाड़ी पर, अभी एक बार ट्रॉली फुल होएगी तो भी पता चल जाएगा। और मेरी एक गाड़ी यहाँ भी तो खड़ी हुई है, इसको भी लेके नहीं गया मैं अभी तक, अब इन्हें तो यहीं छोड़ के पहले जो है जो सामान चाहिए वो परचेज कर लेता हूँ। तो एक तो पहले से ऑलरेडी पिक फीड आता है, और फिर एक आता है ओट, ओट मैं हॉर्स को डाल सकता हूँ, और ये चिकन फीड में तो जो है वीट आता है, और वीट तो अपने खेतों में भी उगा सकता हूँ, बट अभी टाइम लग जाएगा वीट को उगाने में, और इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, वीट भी आके लेके चला ही जाऊँगा, वीट भी जो है चिकन्स को डाल ही दूंगा। तो यही करता हूँ, अभी जो है हॉर्सेस के लिए ओट ले लेता हूँ, और डाल के आता हूँ, उसके बाद वीट ले लेता हूँ, वीट जो है डाल दूंगा पिक्स को भी और चिकन्स को भी, उसके बाद फिर काउस के लिए लेके जाएंगे। ये रहा हॉर्स का, और ये अभी ले सकता हूँ मैं मैक्सिमम 8 डब्बे, तो 8 डब्बे ले लेता हूँ। ये आ गए 8 डब्बे हॉर्स फूड के, और इन्हें इस ट्रॉली के अंदर भरना है बस अब, तो ट्रॉली को उसके साथ लगा के ट्रॉली में फिल कर लेते हैं। तो 8 डब्बे पूरे पूरे इस ट्रॉली के अंदर आ गए, और ट्रॉली भी 99% फुल हो गई है। वैसे इस ट्रॉली की कैपेसिटी 8,000 लीटर ही है, वो 1 या 2 लीटर से रह रही है, 100% इसलिए शो नहीं कर रही। अब पहले हॉर्स को डाल देते हैं, और हॉर्स का ये वाला खाना काफ़ी दिन चल जाएगा, पूरा एक फुल ट्रॉली भर के है। थोड़ा आराम से उतारता हूँ यहाँ पर ना, क्योंकि पीछे जो है ट्रॉली में काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया है। वैसे तो इस गाड़ी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वेट के बाद, बट यहाँ पर रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। इधर तो मैं रास्ता ही नहीं छोड़ रखा, ये सामने जो है इतने सारे एग की करेट पड़ी हुई है,
ये काफ़ी टाइम से एग यूज़ नहीं हुआ है, ये एग बेकरी में यूज़ हो जाता है, तो अभी बेकरी तो बंद पड़ी हुई है इसलिए यहाँ पे ये यूज़ ही नहीं हुआ। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, दूसरी साइड से लाना पड़ेगा, इसको ट्रॉली को रिवर्स कर लेता हूँ। हाँ इस साइड से आ जाएगा, और इस साइड से मेरे को रिवर्स करके वापस निकालना पड़ेगा फिर इस ट्रॉली को। बस यहाँ पे आ गई ऑप्शन, यहाँ पे अनलोड कर देता हूँ। सारी की सारी ट्रॉली मैं अनलोड कर दी है, और अब हॉर्स बार में काफ़ी सारा फूड आ चुका होगा। एक बार मैं देख भी लेता हूँ, यहाँ पे चेक भी हो जाएगा। तो ये रहा अपना हॉर्स बार का, और 8000 लीटर आ चुका है, बट इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी कैपेसिटी मेरे को लग रहा है हे की तो अभी खाली है, हे तो मैं काफ़ी सारी लाकर डाल सकता हूँ, और ये बेस फूड है और जो है, और ये अभी मेरे को लगता है जितना मैंने डाला है उससे भी ज़्यादा ही आ जाएगा। तो 20000 लीटर के आसपास शायद इसकी कैपेसिटी होगी, बट फिलहाल इतना काफ़ी है, इतने में काफ़ी दिन चल जाएंगे। अभी क्या है, मैं अपने खेतों में शोरगुम लगाने वाला हूँ, क्योंकि शोरगुम मैं ज़्यादातर एनिमल्स को डाल सकता हूँ, तो मैं शोरगुम खुद के खेतों में लगा लूँगा, तो मुझे परचेस नहीं करनी पड़ेगी। शोरगुम जो काफ़ी सारी होगी उसे अपने साइलोस में स्टोर कर लेंगे, तो अपने एनिमल्स को वाली शोरगुम डालते रहेंगे। और यहाँ से रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करते टाइम थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रॉली पीछे से मुड़ रही है हल्की सी ना। वैसे तो ट्रॉली काफ़ी छोटी है, तो अगर थोड़ी बहुत घूम भी जाए तो इतना इशू नहीं होता। बाकी यहाँ से थोड़ा सा केयरफुली निकालते हैं। अब मैं जाके फटाफट से वीटो ले आता हूँ। तो मैं एक फुल ट्रॉली भर के वीटो ले आया हूँ, वही 8000 लीटर आए हैं इसमें भी, और इसमें से 5-6000 लीटर डाल दूंगा मैं चिकन कूप में, और 2-3000 लीटर जो बचेगा वो डाल दूंगा पिक्स के लिए। और पिक्स को तो मैं घोड़ों वाला फूड भी डाल सकता हूँ और चिकन्स वाला फूड भी डाल सकता हूँ। तीन हज़ार लीटर डाल दिया, इतना काफ़ी है, तो 4000 लीटर जाकर इसके अंदर, और 5000 लीटर मैं दे देता हूँ पिक्स को, क्योंकि पिक्स काफ़ी सारे हैं, उन्हें काफ़ी सारा फूड चाहिए। और अभी तो पिक वन में जाने के लिए रास्ता भी देखना पड़ेगा। वैसे रास्ता तो पहले राइट साइड से था, यहाँ पे मैंने एक काउ शेड लगा दिया, तो अब यहाँ सामने से लेके जाना पड़ेगा मुझे इधर की साइड से। तो काफ़ी जगह है यहाँ से जाने की, ऐसा कोई इशू नहीं है। पिक्स को खाना डालने के लिए पिक्स का फीडर ये रहा, ये गाड़ी फंस जाएगी यहाँ पे ऐसे, तो थोड़ा सा इधर से उतारना पड़ेगा। टच हो गई, हो गई टच। निकल गई, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ये साइड साइड ट्रॉली में इसी में अनलोड कर देता हूँ। तो ये साइड ट्रॉली हो चुकी है, इसमें अनलोड, और अब रह गया बस काउस के खाने का काम। और जो काउस का बड़े वाला बार्न है उसमें तो सारा रॉ मटेरियल है, बस मिनरल फीड लेके आना है, और मिनरल फीड तो मैं इस गाड़ी की डिग्गी में भी रख के ला सकता हूँ। बट पहले मैं यहाँ से इस गाड़ी को निकालता हूँ, इस ट्रॉली को इधर साइड में पार्क कर दूँगा। हाँ यहाँ तक आ गया ना, तो इस ट्रॉली को यहीं छोड़ देता हूँ, बाद में जब उसकी ज़रूरत होगी तब यहीं से ले लेंगे। और फिलहाल इस गाड़ी को ले चलता हूँ यहाँ से अपने रेस्टोरेंट के पास से निकाल के, और इधर से बाहर जाने के लिए रास्ता यहाँ से है। बाकी जगह तो मैंने बाउंड्री कर दी है, क्योंकि ये वाला एरिया मैंने सेपरेट कर दिया है अपने फार्म से, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स वगैरह आते हैं, यहाँ पे अपना सुपरमार्केट वगैरह है। और वैसे अपनी ये जो शुगर मिल है, ये आटे वाली मिल है, यही बंद पड़ी हुई है, इन्हें भी चालू करना है। इनके लिए पहले खेतों में जो है वीट और शोरगुम वगैरह लगाने पड़ेंगे। ऐसे रख दिया, अब उसकी डिग्गी बंद कर लूँ। तो ये बेल्ट से बांध दिए मैंने, अब ना गिरेंगे नहीं। एक और बेल्ट लगा के देखूँ, यहाँ पे एक और बेल्ट लग जाएगी, बस अब तो बिल्कुल नहीं गिरने वाले, दो बेल्ट उससे बिल्कुल टाइट हो चुके हैं, तो अब तो नहीं गिरेंगे, अब तो अपने फार्म तक इजीली पहुँच ही जाएंगे। और अपना फार्म सामने ही है, तो इतना दूर भी नहीं है कि इनके गिरने की कोई टेंशन हो। ओह भाई, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा है, गाड़ी उठ रही, ओ हो गई सीधी, गाड़ी पलट गई, इतना वेट है इसमें पीछे, तो पीछे का सस्पेंशन पूरा दब रहा है, मतलब वेट तो काफ़ी ज़्यादा है। भाई गाड़ी पलटा दी इसने, ये तो गलत काम हो गया। इसको अब सीधा करने के लिए मेरे को कोई दूसरी गाड़ी या ट्रैक्टर वगैरह चाहिए होगा, ये तो सीधी ऐसे हो नहीं रही। बट एक बार ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा टायर्स को मोड़ के
इधर की साइड को। नहीं अरे मुझे कोई दूसरी गाड़ी लानी पड़ेगी या फिर ट्रैक्टर लाना पड़ेगा तब जाके सीधी होगी। ये वाली गाड़ी है इसलिए चलता हूँ, इससे थोड़ा सा पुश कर दूंगा तो हो जाएगी सीधी। इसके बस की नहीं है कुछ भी, ये तो कोई हल्का सा प्रेशर भी नहीं लगा पा रही इसके ऊपर। मॉन्स्टर ट्रक ही लाता हूँ एक बार में, काम हो जाएगा छोड़ो। और इस मॉन्स्टर ट्रक के तो टायर के बराबर ही है गाड़ी है, इसके टायर इतने बड़े हैं। तो इधर सामने से पुश करता हूँ निकल जाएगी। ओ भाई क्या कर रहा है, चढ़ गया इसके ऊपर यार। हो गई सीधी, हो गई बन गई बात। बस अब इसको पहुँचाता हूँ और अब की बार आराम से लेके चलूँगा। और ये मिनरल फीड मुझे डालना है यहाँ पे इस कॉर्नर में, ये रहा मिनरल फीड का। ये खुद ब खुद ले लेगा, बस यहाँ से मेरे को गाड़ी को पार्क करना है। और कितना वजन था गाड़ी के, सस्पेंशन ऊपर उठते जा रहे हैं जैसे जैसे खाली हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वेट था मिनरल फीड के अंदर। तो अब बस इस नए वाले काउ शेड का खाना रह गया, बाकी सब एनिमल्स को मैंने खाना दे दिया। वैसे शीप्स को नहीं दिया, तो शीप्स को तो मैं घास काट के दूंगा यहीं से, ये घास काटेंगे मशीन रखी है। अब इनके लिए ना खाना बना बनाया लाना पड़ेगा, तो एक TMR वाला मिक्सर भी अब मुझे चाहिए होगा। तो एक TMR वाला मिक्सर ले लेते हैं रेंट पे, और वहीं से जो है शॉप से मैं बना के ले आता हूँ उसके अंदर TMR। तो TMR वाला जो मिक्सर है वो तो मैं वाला लूँगा जो पूरा सेटअप बना हुआ आता है, उसके लिए ट्रैक्टर नहीं चाहिए होता। तो ये है TMR मिक्सर और ये आ चुका है रॉ मटेरियल, और इस सारे रॉ मटेरियल को मैं यहीं पे रेडी कर लूँगा और बस वहाँ पे काउबान में ले जाके इससे अनलोड करना पड़ेगा। और इससे जो है मिक्सर बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस करना इतना है कि जो भी रॉ मटेरियल है सामने उसके पास ले जाके इसको ऑन कर देना है। ये आना शुरू हो गया, ये सामने जो इसका हेडर लगा हुआ है ये यहाँ से इसे पिक करना शुरू कर देता है। तो इतना काफ़ी है, और अब बस में मिनरल फीड डालना है। एक तो एक गाड़ी सामने आ रही है, इसको थोड़ा साइड में पार्क करो। तो मिनरल फीड इसने लेना शुरू कर दिया, और अब देख लेते हैं कि मिक्सचर कितना बना है। तो ये अपना हे तो बिल्कुल सही रेशियो में है, साइलेज भी सही रेशियो में है, और स्ट्रॉ भी सही रेशियो में है। थोड़ी सी हे इसमें और आ सकती है, अभी पहले सारा सारा मिनरल फीड डाल देता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी हेयर उठा लेंगे यहाँ से और हल्का सा साइलेज और उठा लेंगे। तो सारा का सारा ये मिनरल फीड आ चुका है, और यहाँ पे मेरे को अभी कैपेसिटी दिख रही है, बस इतना काफ़ी है। अब इससे ज़्यादा कैपेसिटी बची नहीं है, 97% तो फुल हो चुका है। अब बस ये जो बाकी मटेरियल है इसको दूसरी बार में यूज़ कर लेंगे, और इसे फ़िलहाल लेके चलता हूँ और उस वाले काउबान में फूड डाल देते हैं। तो काफ़ी सही है, इसे काम काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और वैसे सबसे आसान काम तो फीडिंग रोबोट वाले से होता है जो अपने पहले वाले बांध में है इस फार्म के ऊपर। बस वहाँ पर रॉ मटेरियल ला के डाल दो, और वही मैं बल्क में ला के डाल देता हूँ पूरा भर भर के, मतलब उसमें 24 बेल्स आ जाते हैं और वो 6-6 महीने चल जाता है ईजिली आराम से। और यहाँ से भी तो रास्ता है इस वाले काउ शेड में जाने के लिए, यहीं से निकल लेते हैं सीधा। बाकी अभी ये काउस का फूड का हो जाएगा तो मिल्क आना शुरू हो जाएगा, और मिल्क आना शुरू हो जाएगा तो अपनी ये बेकरी और डेयरियाँ दोनों शुरू हो जाएंगी। बस यहाँ पे आ गया, और इसको करते हैं अनलोड। ये होने लग गया है अनलोड लेफ्ट साइड से, सारा का सारा ही आ गया। मतलब इस वाले काउ बांध की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 45 काउस हैं, तो हाँ कैपेसिटी तो होगी हिसाब से। अब एक बार ना मैं इसको यहीं छोड़ के चेक भी कर लेता हूँ कि यहाँ पे खाना कितना आ चुका है। ये खाना नीचे आ तो गया, और ये काउस ने खाना भी शुरू कर दिया है। तो ये वाला काउबान इसमें TMR आ चुका है, और 70% से ज़्यादा आ चुका है, तो ठीक है ये। और दूसरे वाले काउबान में अभी TMR बनना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि मिनरल फीड तो मैंने डाल दिया है, बट वहाँ फीडिंग रोबोट का एक टाइम होता है, वो ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद फिर ऑन होता है और फिर चेक करता है सारा रॉ मटेरियल होता है, तो खाना बनाना शुरू कर देता है। अभी वो थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा तो खाना बनाना शुरू कर देगा काउस के लिए। बाकी काउस के घूमने के लिए यहाँ पे बाहर काफ़ी सारी जगह है, ये भी काउस यहाँ घूम रही है, और ये यहाँ पे भी वैसे जगह है, यहाँ पे मैं कुछ अपने व्हीकल्स वगैरह पार्क कर सकता हूँ लाके, क्योंकि ये जगह खाली पड़ी है। या फिर जितने व्हीकल्स हैं जो अपने सिर्फ काउस के काम आने वाले हैं उनको मैं यहाँ पे लाके पार्क कर दूँगा, जैसे भी TMR वाली मशीन है।
बाकी हेलीकॉप्टर के लिए पार्किंग देखनी पड़ेगी। उसके लिए सोचा हूँ कि एक गोल सा हेलीपैड टाइप बनाऊँ और वहाँ पे हेलीकॉप्टर को पार्क करूँ और वो शायद वहाँ पे मैं सामने बना सकता हूँ, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको। अब बस फार्म पे जो है मेरे को यहाँ डेकोरेशन का काम करना है और यहाँ पे ट्रीज वगैरह लगाने हैं और घास वगैरह लगानी है और ये जो ज़मीन ऊँची नीची होगी ना ये सीधी करनी है। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।